हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, देखिए फाइंड द सम्स गिवन बिलो। मतलब जो ये दे रखा है एक एपी और इसके अंदर बीच में प्लस का निशान है, तो इनके जितनी भी टर्म है इन सबको प्लस करना है हमें इस तरीके से। और इसी तरीके से ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट है, समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, वो यही फ़र्क है कि उस क्वेश्चन में कोमे वगैरह दे रखे थे, जैसे ये कोमे है ना, और इसके अंदर क्या दे दिया, ये प्लस का निशान दे दिया, राइट? तो चलिए करते हैं, वो चीज़ इसी उठा लेते हैं। सॉल्यूशन वन, गिवन एपी हमारे पास तो ये है सम, हमें जो निकालना है वो ये होगा, ए की वैल्यू यहां पर क्या है 7, डी की वैल्यू a2 - a1, इस जो ये 7, 10/2, 14 यानी कि जो ये एपी है उसके अंदर a2 की वैल्यू 10^(1/2) है, तो 10^(1/2) माइनस में 7, तो वैसे तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं 10 - 7 3 होता है और 1/2 का 1/2 आ जाएगा 3/1/2, लेकिन अगर आप इसको तरीके से करना चाहें तो फिर इसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो 2 × 10 = 20 और 1 = 21, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 21/2 माइनस में 7 है, तो 7 को लिखेंगे 7/1, ओके। अब 1 डेनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 क्यों करेंगे ऐसा, ताकि डेनोमिनेटर सेम बन जाए, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। हमें मिला 21/2 माइनस में 14/2, माइनस 14, 21/2 ये रहा और 7 × 14 और 2/14 क्या मिला हमें 7/2, तो ये डी हो गया हमारे, हमें ए मिल गया, डी मिल गया। एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए एन का फार्मूला लगा करके, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट टर्म है वो 84 है, ओके। ए एन का फार्मूला क्या है, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला है, और ये हमें लास्ट टर्म मिली हुई है 84, ठीक है। ए की वैल्यू 7 है, 7 प्लस में एन माइनस 1 डी, डी की वैल्यू है 7/2, ये इज इक्वल टू 84, ये 7 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस में 7, 84 माइनस में 7 77,
अब जो ये 7/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/2 का रेसिप्रोकल 2/7 मल्टीप्लाई होगा इधर दूसरी तरफ में। इधर आकर के सेवन की जगह हो जाएगा टू और टू की जगह हो जाएगा सेवन, इस सेवन से ये 77 कटेगा तो 11 आएगा, 11 मल्टीप्लाई टू 22। ओके, अब ये वन जो माइनस का है वो इधर आकर के दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 22 प्लस में 1 23, एन की वैल्यू 23 आ गई। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू दे रखी थी तो हमारा काम आसान था, लेकिन यहाँ पर हमें एन की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें निकालनी पड़ी है। अब हम फार्मूला लगाएंगे इसमें ये वाला, लेकिन इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे, एक फार्मूला और भी बनता है इसका जो मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में, वो क्या है n बाय टू, यहाँ पर 2a की जगह a और यहाँ पर l, जो ये an है ये लेंगे a प्लस में an फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये फार्मूला हो गया। अब इस क्यों इतना कम कॉम्प्लिकेशन बढ़ाई, सीधे सीधे यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म है तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू निकाल चुके हैं 23 है, ठीक है। ट्वेंटी थ्री बाय टू, ए की वैल्यू 7, ए एन की वैल्यू 84, ट्वेंटी थ्री बाय टू मल्टीप्लाई में 84 प्लस 7 91, को 23 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 91 मल्टीप्लाई 23 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, 3 7 2 9 8 2 10 1 1 2, 2 0 9 3 बाय में 2, इसको जब डिवाइड करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 की टेबल में 2093 कहाँ तक डिवाइड हो रहा है वो लिखेंगे, टू वन जा टू 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, बचा 1, तो 1046 वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो ऊपर बचा 1
1046 1/2। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इस तरीके से SN का। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ये वाला। सेकंड पार्ट है दिस वन। इस एपी के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू 34 है, ए टू 32 है, दो दो कम होते जा रहे हैं। थर्टी फोर, सेवन की जगह यहाँ 34 आ गया, और डी टू ए टू माइनस ए वन यानी कि 32 माइनस 34 माइनस टू, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, बड़ी वैल्यू का निशान आएगा, माइनस टू आ गया। अब फिर हमें वही चीज़ करनी है, ए एन निकालना होगा इसके अंदर। ए एन का फार्मूला ये है, ए की वैल्यू 34 है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें, और डी की वैल्यू माइनस टू इज इक्वल टू गिवन है 10 लास्ट टर्म। ओके, तो ये जो 34 प्लस का है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइज का निशान अगर लगाएं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वाला निशान, क्योंकि इक्वल निशान पहले ही है तो फिर हम इम्प्लाइज का निशान ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अच्छा भी लगता है ये। ठीक है, इक्वल होने की वजह से, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल के राइट हैंड साइड में। अभी 34 प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। टेन माइनस 34 माइनस 24, बड़ी वैल्यू का निशान आएगा माइनस का, और सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंट साइन है। तो अब ये माइनस टू मल्टीप्लाई में है, ये इधर आकर के क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। माइनस 24 डिवाइड माइनस टू, राइट, तरीके से लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए। वैसे समझ में तो आ गया होगा ना आपको कि क्यों क्या हुआ है। 24 माइनस का ऊपर और डिवाइड में माइनस का टू है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई और हमें मिला 12। माइनस टू हट चुका है, हमें जो मिला है वो है एन माइनस वन यहाँ पे। अब ये वन जो है ये इधर जाएगा दूसरी तरफ, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 प्लस में वन इज इक्वल टू 13, एन की वैल्यू 13 आ गई, राइट। अब हम इसके आगे का करेंगे, ये चीज़ फार्मूला ये लगेगा,
एस एन एन बाई टू प्लस ये ए प्लस में ए एन, क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है एन एन, हमने निकाल लिया, ए हमें गिवन है। एन की जगह आ गया 12, ए की जगह 34, ए एन की जगह लास्ट टर्म 10, टू से ये कट गया, सिक्स आ जाएगा, सिक्स मल्टीप्लाई 34 प्लस में 10 कितना होगा 44। सिक्स फोर जा 24, फोर टू, सिक्स फोर जा 24, 24 एंड टू 26, क्या आंसर सही है? होना तो चाहिए 286 आंसर है। कहाँ गलती हुई है? गलती यहाँ हुई है, 13 लेना था हमें, 12 नहीं, यहाँ आएगा 13 और यहाँ पे आएगा 13, टू से हम इसको काट देंगे, इसकी जगह 44, टू से ये 44 कटेगा तो 22 आएगा, 13 मल्टीप्लाई में 22, 13 टू जा 26, 6 टू, 13 टू जा 26, 26 एंड टू 28, तो 286 ये आंसर सही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब हमारे पास है लास्ट सम, मतलब इस सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो हमें करना है, उसको देखते हैं यहाँ हो जाता है या कर लेते हैं। गिवन है हमें ये, -5 प्लस -8 और इस तरीके से हमें टर्में मिली हुई है, ए वन माइनस फाइव है, ए टू माइनस एट है, ओके। थर्टी फोर की जगह आ जाएगा माइनस फाइव और ए टू की जगह आएगा माइनस एट और ब्रैकेट में आएगा माइनस फाइव, निशान बदल जाएगा इसका, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस एट प्लस में फाइव हमें मिला माइनस थ्री, ओके। डी की वैल्यू क्या आई? माइनस थ्री, यानी कि माइनस थ्री इसमें ऐड हो रहा है, माइनस फाइव में माइनस थ्री ऐड हुआ, माइनस एट, माइनस एट में माइनस थ्री ऐड हुआ, माइनस इलेवन, ओके। डी की वैल्यू आ गई। अब हमें फिर दोबारा से यही चीज़ करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ए एन, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है माइनस फाइव, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है जो हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू है माइनस थ्री। इम्प्लाइज लास्ट टर्म हमें गिवन है यहाँ पर माइनस टू थर्टी, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। माइनस फाइव ये उधर जाके के प्लस हो जाएगा,
फॉर डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का 225। देख लो कोई गलती तो नहीं होगी। अभी तो नहीं है कोई गलती। ओके अब माइनस थ्री मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आएगा इधर आकर के। चलिए इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस वन इक्वल में है माइनस टू टू फाइव डिवाइड में माइनस थ्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, सेवेंटी फाइव। माइनस वन इधर आके प्लस हो जाएगा और इसको हम हटा देते हैं। एन इजल टू सेवेंटी फाइव प्लस वन सेवेंटी सिक्स। अब हमारे पास फॉर्मूला है ये एन की वैल्यू क्या है 76। ए की वैल्यू माइनस फाइव, ए एन की वैल्यू माइनस टू थर्टी, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ओके टू से इसको काटेंगे 76 को, टू थ्री जा सिक्स, टू एट जा सिक्सटीन, 38 आ गया। और इससे इनको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 235। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ करते हैं 235 डिवाइड में मल्टीप्लाई मतलब करना है हमें। एट फाइव जा फोर्टी, जीरो फोर, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट, एट टू, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू एटीन। ठीक है ये अब थ्री फाइव जा फिफ्टीन, वन थ्री थ्री जा नाइन वन टेन, वन थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन सेवन। हमें मिला जीरो, एट फाइव थर्टीन, यहाँ से एट फाइव थर्टीन, थ्री वन, एट वन नाइन, वन सेवन एट, एट नाइन थ्री जीरो माइनस का एट नाइन थ्री जीरो। ओके बिल्कुल ठीक है। तो देखा आपने, है ना आसान ही है। थोड़े से ध्यान रखने हैं, फार्मूले का ध्यान रखना है, मेथड का ध्यान रखना है और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।